Hey guys, it's me. So, आज की वीडियो में आप लोग लेंगे हमारा जो मी 3 डिवाइस है, इस डिवाइस में हमारे जो लाइव वॉलपेपर्स हैं वो आप कैसे ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने कुछ लाइव वॉलपेपर्स को जो है ऐड कर रखा था और मैंने भी एक वीडियो में रिसेंटली दिखाया था, तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ये वाला लाइव वॉलपेपर दे दो, तो इसकी मैं वीडियो ले आया हूँ। तो वीडियो लाइक कर दो अगर आपको ये वॉलपेपर अच्छे लगेंगे, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर मैं अब आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक बार। सो ये वॉलपेपर्स कुछ इस तरीके के फ्लूड वॉलपेपर्स और काफ़ी सारे कलर ओएस 7 के वॉलपेपर्स हैं। सो इसके लिए ना मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दो तीन ऐप्स के लिंक दे रहा हूँ, आपको वो सारे ऐप इंस्टॉल कर लेने हैं। वो आपके सारे ऐप नहीं है, वो आपके वॉलपेपर हैं, तो आप लोगों को उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको एक चीज़ करनी है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर। देन प्ले स्टोर पर आपको जाने के बाद सर्च करना है वॉलपेपर। इसकी भी मैं आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये आपको गूगल का है, वॉलपेपर ऐप दिखता है, इसको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे आपको अब यहाँ पे ये आपके अलग से आ जाएगा कलर ओएस 7 एब्स्ट्रैक्ट लाइव वॉलपेपर। सो यहाँ से अब आपको लाइव वॉलपेपर पे आपको क्लिक करना है, और आपके जितने भी फ़ोन में लाइव वॉलपेपर इंस्टॉल्ड होंगे आपके सारे आ जाएंगे। सो मैं एक बार ये वाले वॉलपेपर को एक बार सेट करता हूँ। सो यहाँ पे ये वॉलपेपर मेरा सेट हो चुका है, आप देखो काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है हमारे मी 3 डिवाइस के लिए। और आप ऐसे ही जाके अपना जितने भी आपको लाइव वॉलपेपर हैं आप सबको इंस्टॉल कर सकते हो। सारे लाइव वॉलपेपर आपको बहुत अच्छे से आपके डिवाइस में वर्क करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।